दोस्तों नमस्कार, नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसके लिए मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूं जिससे आप सभी के फॉर्म में कोई त्रुटियां ना हो, ताकि इस वीडियो को आप देखें कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। upbasicissuebord.gov.in साइट को सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना है, ठीक है। इस साइट को ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन प्रदर्शित होगी। स्टेप वन में यहाँ पर आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई दिशा निर्देश, जो शासनादेश है, फॉर्म भरने संबंधित दिशा निर्देश हैं, तकनीकी दिशा निर्देश हैं, वो सारे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इसमें से जो भी आपको दिशा निर्देश पढ़ने हैं उस पर क्लिक करते ही आप वो सारे दिशा निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरा सुझाव यही कि फॉर्म भरने से पहले आप भली भांति उन दिशा निर्देशों को पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद में स्टेप टू पे आप आवेदन करेंगे, ठीक, यहाँ पर आवेदन करना है। और स्टेप थ्री में आवेदन करने के बाद में आप यहाँ से भरा हुआ आवेदन जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, वो भी 26/5/2020 की रात्रि 12 बजे तक, ठीक है। इसके बाद में चलिए अब आवेदन आपको कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर स्टेप टू में दिया गया है आवेदन करें पर क्लिक करेंगे। आवेदन पर क्लिक करते ही आपके सामने जो है कुछ इस तरह से आप जो है यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरेंगे। यहाँ पर रोल नंबर सबसे पहले आप भरेंगे, जो कि आपने 69,000 शिक्षक सहायक अध्यापक जो परीक्षा लिखित परीक्षा हुई थी उसमें आपने रोल नंबर डाला था, वही रोल नंबर यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद में आप अपनी जन्मतिथि भरेंगे। जन्मतिथि का जो फॉर्मेट है वो ब्रैकेट में दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आप ईयर भरेंगे, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट भरेंगे। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आपको मोबाइल भरना है। मोबाइल नंबर वही यहाँ पर मोबाइल नंबर आप भरेंगे जो कि आपने 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में दिया हुआ था, रजिस्टर्ड किया हुआ था, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डालेंगे तभी आपका फॉर्म खुलेगा। उसके बाद में रिजनरेट ओटीपी यहाँ पर करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी आते ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा फॉर्म जो आपने पहले भरा हुआ था वो इस तरह से कुछ इंटरफेस में खुल करके आ जाएगा, ठीक है। तो वो फॉर्म में देखिए, यहाँ पर मैं फॉर्म आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, गृह जनपद का नाम, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स जो आपने पहले फॉर्म में भरी थी, ठीक है, लिखित परीक्षा जो फॉर्म भरा हुआ था, सारी डिटेल्स वही आ जाएंगी। इसमें आप कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोटो भी आ जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 14वें नंबर से, ठीक है, 14 नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है, यदि अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त तिथि से अद्यतन सतत कार्यरत है तो उसका विवरण देना है। यहाँ पर यानी कार्यरत विद्यालय का नाम वो भरेगा, यहाँ पर विकास खंड का नाम भरेगा या कार्यरत जनपद का नाम भरेगा। उसके बाद में शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्ति होने की तिथि वो यहाँ पर लास्ट में भरेगा, ठीक है। अगर शिक्षा मित्र है तो भरेगा, अगर शिक्षा मित्र नहीं है तो ये कॉलम वो ब्लैंक छोड़ देगा, ठीक है। अब अगले 15 नंबर पे आते हैं, यहाँ पर वैवाहिक स्थिति में भरना है। यहाँ पर विवाहित है तो मैरिड भरेगा, वरना अनमैरिड कर देगा। उसके बाद में 16वें नंबर को आपको विशेष तौर से ध्यान पे रखना है। 16वें नंबर में यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फ़ोटो पहचान पत्र का प्रकार पर, तो सामने आपके तीन ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और डोमोसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। तीन ऑप्शंस आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं, तो इन्हीं तीन में से आपको यहाँ पर लगाना है। ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, डोमोसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। दोस्तों अगर निवास प्रमाण पत्र आपका पुराना है, पहले का बना हुआ है, 2019 का बना हुआ है, तो वो भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने नया बनवा लिया है, ठीक है, तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए हैं उसमें यही लिखा हुआ है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास सारे प्रमाण पत्र या जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं वो पहले से मौजूद हैं,
ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। डोमिसाइल जो आप लगा रहे हैं यानी निवास प्रमाण पत्र जो लगा रहे हैं उसको आप एक बार ऑनलाइन वेरीफाई कर लें कि ऑनलाइन वो आपका निवास प्रमाण पत्र जो है वो शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। अगर शो नहीं कर रहा है तो निवास प्रमाण पत्र आप ना लगाएं, आप ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ऑनलाइन बना हुआ है तो जाहिर सी बात है निवास प्रमाण पत्र जो है ऑनलाइन शो करेगा। आप एक बार फिलहाल भरने से पहले उसको ऑनलाइन चेक जरूर कर लें, वेरीफाई कर लें। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर निवास की स्थिति दर्शानी है, इसमें उत्तर प्रदेश जिले आ जाएंगे, जिस जिले से भी आप आवेदन कर रहे हैं निवास की स्थिति जो है कहाँ से निवास करते हैं वो यहाँ पर आप जिला चुन लेंगे। ठीक है, उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है 19वां कॉलम। ठीक है, वरीयता संख्या भरें। यहाँ पर सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं अल्फ़ाबेट के रूप में दिए गए हैं। यहाँ पर प्रयागराज जो दिया है वो अल्फ़ाबेट के रूप में, क्योंकि इलाहाबाद पहले था एक्चुअली नाम, तो उस बेस से यहाँ यहीं पर उन्हें मेरी समझ से संशोधन कर दिया है, इलाहाबाद जो है की जगह पर यहाँ पर प्रयागराज जो है लिख करके आ रहा है। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं अल्फ़ाबेट में दिए हुए हैं, तो मेरा सुझाव जो है कि आप सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं अल्फ़ाबेट लिख लें। ठीक है, अल्फ़ाबेट लिखने के बाद में जो है उसके आगे वरीयता क्रम एक कागज़ पे आप पहले से ही नोट करके रखें। जैसे आगरा को आप अगर दो नंबर वरीयता पर देना चाहते हैं तो दो नंबर आगरा के आगे भर देंगे। अलीगढ़ को एक नंबर देना चाहते हैं तो अलीगढ़ को एक नंबर दे देंगे। प्रयागराज को आप 12 नंबर दे रहे हैं, मान लिया 12वें नंबर पर वरीयता देना चाह रहे हैं तो 12 नंबर भरेंगे। इस तरह से एक सूचियाँ बना के रख लें ताकि फार्म भरते समय आपको ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, आसानी से आप बहुत जल्दी इसको फिल कर दें। ठीक है, तो ये विशेष तौर से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो फाइनल होता है, इसके बाद में एक आप जो टर्म एंड कंडीशन हैं उसको आपको टिक करना पड़ेगा पढ़ने के बाद में, और उसके बाद में कैप्चा कोड दिया होगा। कैप्चा कोड को भरने के बाद आपको फॉर्म फाइनल जो है सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने से पहले आप ये ज़रूर निश्चिंत हो लें कि हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पर जो हमने फिल की हैं, पहले से ज़्यादा भरना नहीं है आपको, जो दो तीन चीज़ें आपको भरनी है मुख्य रूप से जिला है उनको आप एक बार कंफर्म कर लें, उसके बाद ही सबमिट करें। और सबमिट करने से पहले जो कैप्चा कोड दिया रहेगा उसको आप एक बार रेफ्रेश ज़रूर कर लें, जिससे कि फार्म आपका इरर होने से बच जाए। क्योंकि कभी कभी जब टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता है तो फार्म इरर हो जाएगा, आपको पूरी डिटेल सारी फिर से भरनी पड़ सकती हैं। तो ये विशेष तौर से आप ध्यान रखिए, जब भी फाइनल सबमिट करें सबमिट करने से पहले आप उस कैप्चा कोड को रेफ्रेश ज़रूर कर लें। ठीक है, तो उसके बाद में आप क्या, उसके बाद में फिर आप मेन पेज पे आ जाएंगे जहाँ से आपने आवेदन किया था। ठीक है, और उसके बाद में स्टेप 3 पर आप क्लिक करेंगे, यानी अपना भरा हुआ आवेदन प्रिंट आपको प्रिंट करना है, जहाँ यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने इसी तरह से कुछ इंटरफेस फिर से होगा। आपको रोल नंबर डालना होगा, अपनी जन्मतिथि भरनी होगी और मोबाइल नंबर डालना होगा, जिसके बाद फिर ओटीपी आएगा और ओटीपी से फिर आप लॉगिन करके उस फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ हमारे इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहा है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस वीडियो को देखने के बाद अपने फार्म में कोई त्रुटियां न कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।